हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि आप सबको पता है, माँ बाप की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, ये सबको ही पता है और वो सच भी है। एक्चुअली हम 6 सिस्टर है, 6 बहने हैं और मेरे पापा जो है वो एक्स मिलिट्री मैन है। और मेरे पापा उस वक्त ऐसा नहीं था कि मिलिट्री में भर्ती होना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, एजुकेटेड होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड फोर्थ किया होगा उस जमाने में, क्योंकि उनको देखने वाला कोई था नहीं। उनके मॉम डैड बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे तो उनकी लाइफ तो बहुत डेंजर रही है। पापा ने तो हमसे बहुत प्यार किया और हमारे लिए सब कुछ, जितना भी उनके हाथ में था, जितना भी वो कर सकते थे, उन्होंने हमारे लिए किया है। मैं हमेशा मेरी मॉम से मैं बहुत क्लोज रही हूँ पहले से, और मैं भले किसी को फोन करूँ या ना करूँ लेकिन हर दिन मैं मॉम से बात करती हूँ। अगर किसी वजह से मैंने मॉम को कॉल नहीं किया तो मेरी मम्मी मुझे कॉल करती है, या उनका नहीं आया तो मैं करती हूँ। पापा को पता नहीं है इतना, अभी वो 80 के आसपास है, उनको नहीं पता कि फोन के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते या, और 3 साल पहले उनको पैरालिस अटैक भी आया है, लेकिन वो उनकी विल पावर बहुत अच्छी है तो वो अपने सारे काम खुद ही करते हैं, उनका किसी को कुछ करना नहीं पड़ता। बट फिर भी है, वो एक ही रूम में घूमते हैं, थोड़ा सा बाहर वगैरह घूमते हैं काठी पकड़ के। उनको ऐसा लगता है कि मोबाइल पे बात करते हैं, जितनी ज्यादा बात करेंगे उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। तो जब भी मैं मॉम को कॉल करती थी तो मॉम से तो हम कितनी भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी। तो हम जैसे क्या खाया, क्या बनाया था, ये क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉम भी मुझे पूछेगी मेरे बच्चों के बारे में, तो हम 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है बातों में। तो पापा बहुत गुस्सा होते हैं कि मम्मी के ऊपर कि तुम इतनी देर क्यों बात करती हो, पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी होता है क्या। तो मम्मी उनको बताती थी कि मैंने नहीं किया है कॉल, उधर से आया है, ताकि पापा ऐसा बोल रहे हैं। अगर मम्मी ने भी किया हो तो भी मम्मी ऐसा बोलती थी। तो पापा कहते थे कि उसके भी तो पैसे जा रहे हैं ना। बहुत तो गुस्सा आता था, मम्मी को भी गुस्सा आता था कि इनको क्या प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी जब भी आपको मुझसे बात करनी है, आप उस रूम में हो तो तब मुझे कॉल मत करो, या मैं भी कॉल करूंगी तो आप उस रूम से निकल जाओ, ताकि पापा को पता ही ना चले हम कितनी देर बात करते हैं। तो ऐसा होता था। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हम लोग मुंबई में है, ठाणे वेस्ट में है हम लोग, तो पापा तो न्यूज़ देखते हैं, अभी बैठे बैठे क्या करेंगे, तो वो न्यूज़ देखते हैं, उनको अच्छा लगता है पहले से न्यूज़ देखना। तो उनको पता चल जाता है कि मुंबई में कोरोना की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कोरोना है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुंबई में ही कोरोना के पेशेंट है, और ये लॉकडाउन, ये सब जो कुछ भी चल रहा है, तो उनको इतनी हमारी इतनी फिक्र होती है। मुझसे छोटी जो मेरी सिस्टर है वो भी यही मुंबई में है, वो भाईकला में है, वो BMC में जॉब करती है, तो उनका मन हमेशा हमारी ओर लगा रहता है। और जब से ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हुई है और जब से लॉकडाउन हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं सुबह नींद से उठती हूँ, एक्चुअली मैं रात को मेरा फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ और मैं सुबह जब उठती हूँ तब मैं ऑन करती हूँ, मेरी ये आदत हो चुकी है। तो जैसे मैं स्विच ऑन करती हूँ तो सबसे पहले अगर कॉल किसका आता है तो वो होता है मेरे पापा का कॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली ये बहुत इमोशनल होने वाली बात है। तो मतलब, और मम्मी बताती है कि मैं आजकल बहुत लेट भी उठ रही हूँ, जो कि बहुत गलत है, क्या करेंगे, काम कुछ है नहीं, रात को बहुत लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठ रहे हैं। तो रात को 1:30-2 बजे तक मैं बच्चों के साथ मोबाइल पे हम लोग लूडो खेलते हैं या मूवी देखते हैं, कुछ ना कुछ टाइम पास करते हैं, तो सुबह लेट उठती हूँ। तो मम्मी बताती है कि सुबह से 3-4 बार ट्राई किया लेकिन तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था। तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि हाँ मैं आजकल स्विच ऑफ करके रखती हूँ क्योंकि रात को लेट सोती हूँ। तो मतलब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तो कोई पैसे मैटर नहीं था, लेकिन होता है ना, पुराने जमाने में कहाँ मोबाइल था। तो जितनी इम्पोर्टेंस हमें लगती है कि नहीं मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बगैर हम रह नहीं सकते, तो उतना उनको नहीं है क्योंकि उनके जमाने में मोबाइल था ही नहीं। मतलब मुझे उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया कि मुझे लगता था कि देखो मेरे पापा क्या, उनको क्या तकलीफ है अगर हम बात करते हैं, तो उनको तो कभी मन नहीं होता, कभी खुद होके कॉल नहीं करते, और मॉम करते हैं तो उसमें भी उनको
प्रॉब्लम है, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन अब सबसे पहले कॉल मेरे पापा का आता है और वो डेली मुझसे यही पूछते हैं कि तुम सब लोग कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। और बार बार हमें मुझे यही बताते हैं कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जैसे कि अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया था, जो कि मेरा वर्कशॉप का जो वीडियो है, हमने एक सेकेंड ऑप्शन वर्कशॉप स्टार्ट किया था दिसंबर में। और जैसे वर्कशॉप हमारा अच्छा चल रहा था और ये मार्च में ये हो गया, तो उनको तो सारी बातें पता है, तो उनको इतनी फिक्र हो रही थी। वो बार बार मेरी मम्मी बताती है कि जब भी न्यूज देखते हैं तो बोलते हैं, मेरी ज्यादा चिंता करते हैं कि उन लोगों ने अभी अभी वर्कशॉप डाला था, अभी अभी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे और ये सब हो गया। तो और जैसे कि वो किसान है, उनके घर के अनाज है, गेहूँ, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें उनकी घर की है, तो उन्होंने ऐसे बोरी भर के घर पर मंगा ली सब चीजों की, जैसे प्याज, लहसुन, गेहूँ। और गेहूँ से कुरडई बनती है, जो महाराष्ट्रियन है वो तो समझ ही जाएंगे, कुरडई, पापड़, वड़े, ये जो चीजें हैं ये समर में बनती है और ये पूरे साल चलती है। वड़े की सब्जी बनती है, कुरडई को ऑयल में फ्राई किया जाता है, तो ऐसे पूरा सामान हमारे लिए, मुझे और मेरे सिस्टर के लिए उन्होंने जमा करके रखा। लेकिन उस वक्त गाड़ियों को भी परमिशन नहीं थी, तो वो बहुत टेंशन ले रहे थे। जबकि मैं उनको बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मतलब हमें खाने को भी नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है हमारे पास है, सब कुछ है, हम ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी वो अपनी चिंता करते थे। तो मेरे पापा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और अच्छा लगता है। अभी तो खैर अभी एज हो चुकी है, लेकिन मुझे अगर उनकी पिक कोई मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो लेकिन वो मन से इतने मतलब कोमल है ना, जब भी हम बहनों की शादी होती थी तो मेरे पापा जब लड़के वाले आते हैं देखने, तभी से पापा मेरे रोना स्टार्ट करते थे। और हम छह की छह बहनों की शादियों में मेरे पापा बहुत बहुत रोए थे, हमें बिलक बिलक के पकड़ के। तो जो रिश्तेदार लोग हैं वो भी बोलते थे कि छह छह लड़कियों का पिता होकर और इतना बड़ा आदमी होकर इतना रो रहा है बेटियों के लिए, तो उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इतने भावुक है, इतने इमोशनल है। तो जब भी शादी के बाद हम जब मायके जाते थे और ससुराल के लिए निकलते थे, तो तभी भी मेरे पापा बहुत रोते थे। तो मतलब ऐसे है मेरे पापा, और हम ही स्वार्थी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो फोन के लिए ऑब्जेक्शन ले रहे थे तो मुझे लगता था कि देखो ये कैसे है, पैसे के बारे में सोचते हैं और इनका मन नहीं करता मुझसे बात करने का। और जब आज मैं मुसीबत में हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम लोग मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है। और प्रॉब्लम तो है, हमें क्या, पूरे विश्व को ही प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड ही कोरोना से जूझ रहा है। तो ऐसे में डेली उनका फोन करके हमारी हम कैसे है, क्या है, हमें सब कुछ ठीक तो है ना, ये जो वो पूछताछ करते हैं, तो उससे एक लगता है कि मॉरल सपोर्ट करते हैं कह सकते हैं। तो यही होता है, तो कहीं उनको साथ ऐसा होता है जब हमारे थॉट्स नहीं मिलते पेरेंट्स के साथ, बच्चों के, या बच्चों के साथ पेरेंट्स के, तो एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है और उनकी जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बस माँ बाप नहीं खरीद सकते। तो जब तक वो है उनसे प्यार कीजिए, उनकी केयर कीजिए, और उनको बताने में बिल्कुल झिझक ना करें कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्योंकि माँ बाप है तो हम है, उनके वजह से ही हम लोग ये दुनिया देख पाए हैं। तो बस ये मेरे कब से था कि अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरा सिर ऐसे भारी हो चुका है, मतलब अंदर ही अंदर मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, तो इस वजह से। तो आई होप कि आपको ये मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा है ये मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो मॉम डैड के नाम, तो अपने आसपास सफाई का खास ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।